The potential gradient between the two charge plates having a separation of 0.5 centimeter and potential difference of this. तो वो हमसे कह रहे हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, उसने हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया है और उसने हमें सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स भी दे दिया है, तो हम सिंपली वोल्ट को डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 12/0.5 और सेंटीमीटर्स में तो 10⁻⁻⁻2 भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं और ये 10⁻⁸ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2400 वोल्ट पर मीटर। अब हमारे पास वोल्ट पर मीटर में तो नहीं, हमारे पास न्यूटन पर कूलम, या तो दोनों हमारे पास यूनिट्स इक्वलेंट है। उसकी वजह यह कि फोर्स का एक और हमारे पास फार्मूला था F/Q, तो वहाँ से हमें न्यूटन पर कूलम मिल रहा है, तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर इक्वलेंट है। ये पहले भी एक MCQ में हमने ये चीज़ देखी है। तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है।